आज की वीडियो में चर्चा करेंगे सबसे ज्यादा डिमांडेबल बिजनेस अंडर रोल बिजनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज के फैशन के दौर में अंडर रोल बिजनेस का एक अलग ही ट्रेंड है। फास्ट फूड से जितने भी बिजनेस होते हैं, लगभग सभी बिजनेस जो है रिस्क फ्री और तुरंत मुनाफा वाले बिजनेस होते हैं, जिसे आप कम बजट के साथ शुरू कर सकते हैं और प्रॉफिट तो जो है अन्य बिजनेस की तुलना में बहुत ज्यादा रहता है। 50% से भी ऊपर आप जो है प्रॉफिट ले सकते हैं। तो जो लोग भी इस प्रकार का बिजनेस करते हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस करते हैं, लेकिन फास्ट फूड के जितने भी बिजनेस हैं उन सभी में जो है एग रोल का बिजनेस की बात ही अलग है। जो लोग भी एग रोल का बिजनेस करते हैं, शाम के समय चौपाटी लगा करके इसका बिजनेस करते हैं, मात्र 3 से 4 घंटे में वो जो है दिन भर की कमाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इस प्रकार के बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको एग रोल बनाने वाली रेसिपी की पूरा विस्तार से जानकारी, साथ ही जो लोग इस प्रकार का बिजनेस करते हैं मैं आपको लाइव ले चलूंगा कि किस प्रकार से एग रोल बनाया जाता है एक ठेला में ऑन रोड, और कैसे सर्विस दिया जाता है इसको भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ताकि आपको स्पष्ट समझ आ सके। मैं इसी प्रकार का यूजफुल वीडियो लाते रहता हूं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, एग रोल का बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप बहुत कम बजट के साथ इसे शुरू कर सकते हैं। तो इसमें आवश्यकता होगी एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा एग रोल बनाने की रेसिपी। तो आइए मैं एग रोल बनाने की रेसिपी को आपको विस्तार से बता रहा हूँ। एग रोल बनाने के लिए जो है सबसे पहले मैदा की रोटी को तैयार करना पड़ता है और उसके बाद इसका मसाला तैयार किया जाता है। तो मैदा की रोटी जो है बहुत सॉफ्टनेस बनाया जाता है, तो इसके लिए मैं आपको एक रेसिपी में बता रहा हूँ जिसमें कि 5 एग रोल का रेसिपी है। इसके लिए 150 ग्राम मैदा एक कटोरी में ले लीजिए और उसमें 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल और 2 चम्मच दही, इसे अच्छी तरह से फेंट करके इसमें मिला देना है और उसके बाद 3 बड़े चम्मच पानी। स्टार्टिंग आप 2 ही चम्मच लीजिए, यदि आवश्यकता पड़ता है तो लास्ट में आप 1 चम्मच पानी या 1/2 चम्मच जैसा भी है जरूरत के अनुसार ले सकते हैं। तो ये सारी सामग्री जो है एक प्लेट या माली में जो है लेकर के इसको जैसा कि आटा की रोटी गूथा जाता है ठीक उसी प्रकार से आटा गूथने की तरह इसको भी गूथना है। करीब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसलना है जिससे कि एकदम सॉफ्टनेस हो जाए। तो जैसा कि इसका लोई तैयार हो जाता है उसके बाद जैसे कि आटा की रोटी बनाया जाता है उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। उसमें आटा का डस्ट कोटिंग किया जाता है, तो इसमें मैदा की डस्ट कोटिंग करके पतली पतली रोटियां बना लेना है। तो ये जो रोटियां होते हैं दोस्तों, इसको सॉफ्टनेस बरकरार रखने के लिए इसको धीमी फ्लेम मतलब मीडियम फ्लेम में जो है इसको सिकाई किया जाता है। मैदा की सॉफ्टनेस रोटी है जो घर से बनाकर लाया हुआ है उसको यहाँ पर और सिकाई करना है, क्योंकि वहाँ घर में हल्की सिकाई किया जाता है सॉफ्टनेस को बरकरार रखने के लिए। अब यहाँ पर हमें तुरंत बनाना है, इसलिए जो मैदा की रोटी है उसको अच्छे से सिकाई करना है और उसको गर्म भी करना जरूरी है। तो मैदा की रोटी अच्छे से सिकाई होने के बाद उसको साइड रख देना है और फिर तवा तो गरम ऑलरेडी है ही, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। उसके बाद 2 अंडे लेकर के गिलास में अच्छी तरह से फेंट लेना है, साथ ही थोड़ा सा नमक का मात्रा 1/2 चम्मच से कुछ कम। उसके बाद उसे अच्छी तरह से फेंटने के बाद तवा में उसे आमलेट जैसे बना देना है और उसके ऊपर जो मैदा की रोटी सेकाई किए हैं उसको रख देना है और दोनों को जो है अच्छे से क्या है सिकाई करना है एक दूसरे के ऊपर, ऊपर और नीचे अच्छी तरह से सिकाई होने के बाद ये जो मैदा और अंडे की जो सीट है ये रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर में मसाला डालना है। मसाला डालने का मतलब कटा हुआ प्याज, कटा हुआ पत्ता गोभी, टोमेटो सॉस का 1/2 चिली सॉस, इसके अलावा आप फ्रूट्स कलर
और मीट मसाला भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है अंडा रोल रेडी हो जाता है। साथ ही दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से और अन्य फास्ट फूड बिजनेस के बारे में जानकारी चाहते हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। आप हमारे चैनल को एक बार विजिट करें और पूरी जानकारी लें। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।